तो आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था एक इवेंट। तो उस इवेंट के पीछे रीजंस क्या थे, ठीक, तो और फिर लुईस 16 वहाँ के किंग के बारे में पढ़ा, वहाँ की सोसाइटी के बारे में पढ़ा, वहाँ पे लोग किस तरह से जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सबसिस्टेंस क्राइसिस उसके बारे में भी जाना। ठीक है, तो हमने फिर देखा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस होती है सब जगह से, और जब राजा का जो राजकोष है, ट्रेजर है, वो खाली हो जाता है, तो लुईस 16 क्या सोचता है, प्लानिंग क्या करता है, अब कि वो टैक्सेस, नए टैक्सेस लाएगा और उसे थर्ड स्टेट पर इम्पोज करेगा। ओके, जब लुईस 16 का जो है ट्रेजर खाली हो जाता है, राजकोष खाली हो जाता है, तो वो ये प्लानिंग करता है कि अब हम एक न्यू टैक्सेस लाएंगे और उसे लोगों पर इम्पोज करेंगे और वहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे उसका राजकोष जो खाली है वो भरने लगेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, लेकिन अब पहले की तरह फ्यूडल सोसाइटी थी, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, तो इस वजह से राजा जो है अकेले अपनी मर्जी से जो है टैक्स लागू नहीं कर सकता था, टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। तो इसके लिए उसे क्या करना होता था, एक मीटिंग बुलाना पड़ता था। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता था जो वो फॉलो करता था। तो उसके लिए तीनों स्टेट से स्टेट जनरल्स आते थे, ठीक है, मीटिंग के लिए, जब इस तरह से कोई प्लानिंग करना हो, न्यू टैक्स लाना हो, तो तीनों स्टेट के स्टेट जनरल से आते थे, सबकी वोटिंग होती थी, वोट कंडक्ट किया जाता था, वोटिंग, और उसके बाद फिर जो भी जिस पर भी सहमति बनती थी वो चीज़ लागू की जाती थी। ओके, तो लुईस 16 ने भी कुछ ऐसा ही प्लान किया था। ठीक है, लेट्स सी, लुईस 16 प्लान टू इम्पोज द टैक्स। लुईस 16 अब क्या कर रहा है, टैक्स इम्पोज करने की प्लानिंग कर रहा है, बट नहीं इम्पोज कर सकता, कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। ठीक है, क्या कर रहा है, स्टेट जनरल्स की मीटिंग के बिना ये इम्पोज नहीं कर सकता है, इसलिए 5 मई 1789 को मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल बुलाई गई। ठीक है, स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई। लास्ट जो मीटिंग थी वो 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, लास्ट जो मीटिंग थी, ये तो 5 मई 1789 को बुलाई जा रही है ना, जो कि हमारा 14 जुलाई के इवेंट के बहुत आसपास है। ठीक, लेकिन जो लास्ट मीटिंग थी वो 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, तो इसमें ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, न्यू टैक्सेस को प्रपोज करने के लिए। ठीक है, न्यू टैक्सेस को लाने के लिए। तो इस मीटिंग में आया कौन कौन था ये देखते हैं। ठीक है, 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव दोनों स्टेट से आए थे, मतलब टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, 300 फर्स्ट स्टेट से, 300 सेकंड स्टेट से। इसमें थे कौन, नोबेलिटी ग्रुप से, यानी सेकंड स्टेट से नोबल पर्सन थे, और फिर इसमें क्लर्गी ग्रुप से, जो प्रीस्ट होते थे, जो फादर होते थे, ठीक है, जो चर्च के फंक्शन में इन्वॉल्व होते थे वो लोग आए। ठीक है, फिर 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट से कौन कौन आया, 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। 600 रिप्रेजेंटेटिव में भी ये वो लोग थे जो कि प्रॉस्पेरस थे। ठीक है, थर्ड स्टेट में भी एक ऐसा ग्रुप बना ना जहाँ मिडिल क्लास ग्रो हुआ, तो ये वो लोग थे जो प्रॉस्पेरस थे, एजुकेटेड थे, तो ये 600 लोग वो थे। ठीक, तो ये थर्ड स्टेट से आए, क्योंकि थर्ड स्टेट लोअर स्टेटा में होता था, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन होती थी, तो यहाँ से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। बट जो लोग नहीं आ पाए, जैसे कि पुअर पीपल, लेबरर, पीजेंट्स, ठीक है, तो जो पुअर पीजेंट लेबरर्स थे वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने क्या किया, 40,000 लेटर लिख के इन लोगों को दिया। ठीक है, कि ये जाके उनकी प्रॉब्लम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 40,000 लेटर वो अपने प्रॉब्लम्स की, इशू की लिख के उन्हें देने लगे। बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। ओके, तो ये जो वोटिंग थी वो किस प्रिंसिपल पे हो रही थी, कि हर स्टेट से सिर्फ एक ही वोट जाएगा। ठीक है, तो मतलब तीन स्टेट थे तो टोटल तीन वोट ही जाएंगे, क्योंकि हर स्टेट से एक वोट होना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे बच्चों देखिए, यहीं पे क्या होता है कि यहीं पे अब जो है गुस्सा और बढ़ेगा। क्यों,
क्योंकि लोग अब एजुकेटेड हो गए थर्ड स्टेट के, ठीक है, प्रॉस्पेरस होने की वजह से वो एजुकेटेड हो गए हैं। और आपको याद होगा मैंने रोजियू की सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक नाम बताई थी, उसमें उन्होंने इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की थी, है ना। तो अब लोग जो है फिलोसफर को पढ़ने लगे थे, उनके आइडियाज़ को समझने लगे थे। तो यहाँ पे अब लोगों ने समझा कि हमारी जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें कम से कम 1 नहीं 2 वोटिंग राइट होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, राजा से कहा, लुई 16 से ये बात कही कि आप हमें इक्वल वोटिंग राइट्स दीजिए। जैसे कि हमारे अगर 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अगर 300 रिप्रेजेंटेटिव पे 1 वोट मिल रहा है हर एक स्टेट को, तो हमारा ही पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें वोटिंग राइट्स ज़्यादा मिलनी चाहिए, है ना। वोट करने का हक जो है, मतलब 2 वोट हम दे सके। तो राजा ने इस डिमांड को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग आई ना, अब लोग क्या है फिलोसोफर को पढ़ रहे हैं, फिलोसोफर के आइडियाज़ से जब वो जानने लगे तो वो समझने लगे, खुद को एनालाइज करने लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड जो सेकंड स्टेट थे वो दोनों एक ही थे। अगर मान लो कोई भी इशू है जिस पे वोटिंग करा भी रहा है राजा, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट अगर एक फेवर में वोट कर देते हैं तो थर्ड स्टेट तो ऑलरेडी मतलब कि अलग था, गरीब था, उस पे सारे टैक्सेस इम्पोज होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ अब जो है थर्ड स्टेट के लोग समझने लगे तो इसका विरोध हुआ। तो फिर उन्होंने इक्वल वोटिंग की डिमांड की राजा से, ठीक है। बट राजा ने रिजेक्ट कर दिया कि हम ऐसा कोई प्रपोजल नहीं मानेंगे, जो चीज़ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ओके। तो फिर क्या हुआ, अब जो ये 600 लोग थे उन्होंने उसी टाइम उस मीटिंग को छोड़ दिया, ठीक है। उस मीटिंग को छोड़ के वो जहाँ भी वो मीटिंग हो रही थी, तो उसके बाहर एक टेनिस कोर्ट था, तो ये वो मीटिंग छोड़ के कहाँ चले गए, टेनिस कोर्ट में चले गए, ठीक है। टेनिस कोर्ट में चले गए और फिर इन्होंने क्या किया, नेशनल फॉर्मेशन किया नेशनल असेंबली का, ठीक है, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया और कहा कि अब हम मतलब जो भी जिनका उनका जो ग्रुप था, ठीक है, उसे नाम दिया नेशनल असेंबली, फॉर्म्ड हुई। और उनका एम क्या था, ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें राजा का जो पावर होगा वो लिमिटेड होगा, राजा अपने मन मर्जी की चीज़ नहीं कर सकता, वो ऐसे ही कोई टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता, तो वो अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो राजा के पावर को लिमिटेड करेगा, मतलब कम करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि यहाँ पे क्या हुआ, टेनिस कोर्ट में गए, नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हुई, उनका डिमांड क्या था, ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम एक नया संविधान बनाएंगे जिसमें राजा के पावर को लिमिटेड कर देंगे, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 नाम है, ठीक है, बुक में आपके 2 नाम दिए हैं तो हम देखेंगे, एक है मिराबियु, ठीक है, और दूसरा है एबेसी, ठीक। तो मिराबियु जो है वो नोबल स्टेट का है, मतलब कि सेकंड स्टेट का है, नोबल पर्सन है, अमीर घर का होता है, वेल्दी घर का, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले मिल के थर्ड स्टेट वाले को डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इस नेशनल असेंबली मतलब इसके सपोर्ट में हो जाते हैं, हाँ, कि तुम लोग सही कर रहे हो और हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो मिराबियु और दूसरे हैं एबेसी। एबेसी जो है वो क्लर्गी ग्रुप से हैं, फर्स्ट स्टेट से हैं, ठीक है, और ये शायद क्राइस्ट होते हैं। तो और ये थर्ड, ये एक पैम्पलेट भी बनाते हैं, ठीक है, एक पैम्पलेट बनाते हैं और उसमें टॉपिक होता है व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, ओके, कि थर्ड स्टेट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं, एक पैम्पलेट बनाते हैं, ठीक। तो ये दोनों मिल के क्या करते हैं, इस नेशनल असेंबली जो ये फॉर्म हुई है इसको लीड करते हैं ताकि वो अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में भी कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्हें लगता था कि हाँ थर्ड स्टेट वाले लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो वो उनके सपोर्ट में आए। तो ये 2 ऐसे ही पर्सन थे, ओके। नाम याद रखिएगा इनका, मिराबियु और एबेसियस। Thank you.